أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا. وإذا قيل لهم آمنوا. كما آمن الناس. كما इस्तेमाल करेंगे, यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन होगी, पूरे दिमाग को हम इस्तेमाल करेंगे। और सबसे अहम काम इस चीज के अंदर है कि हमने इस काम के अंदर शैतान को नहीं आने देना। अगर आप शैतान को हराने में कामयाब हो जाते हैं इस क्लास की हद तक, तो फिर आप ये काम कर गुजरेंगे। देखिए, जो शैतान का मुकाबला है, हम उमूमन जो है वो थोड़ी सी सुस्ती का शिकार होते हैं। ये समझते हैं अपने तौर पर हम बड़े वलीउल्लाह बन गए हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हम बड़े वलीउल्लाह बन गए हैं जो हमने किसी इस्लामी जमात के साथ वाबस्तगी इख्तियार कर ली है। शैतान ज़्यादा वार उन्हीं पर करता है जो अल्लाह के ज़्यादा करीब होना चाहते हैं। जो गाफिल है, अल्लाह से दूर है, उनको तो शैतान को उन पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और हर एक आदमी के लिए शैतान ने अलग अलग मनसूबाबंदी कर रखी है। इस आदमी की क्या तरजीहात है, इसकी क्या पसंद और नापसंद है, ये किन लोगों में उठता और बैठता है, इसके शब रोज कैसे गुजरते हैं, हर एक के हिसाब से उसने बाकायदा प्लानिंग की हुई है। और जितना उसका जोर चलता है वो लगाता है। इसलिए जो हमारा इतना बड़ा दुश्मन है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, मुसलसल पीछे लगा हुआ है, एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं है। अगर हम उससे गाफिल हो जाएंगे
तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जब कभी जहन में ये आए कि बहुत मुश्किल है, नहीं समझ में आ रहा, तो समझे कि ये वसवसा शैतान की तरफ से है। कुरान आसान है, कुरान खुद इसका ऐलान करता है कि मैं आसान हूँ, अल्लाह कहता है आसान है। फिर अगर समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि गलती हमारी कोशिश के अंदर है, अल्लाह के कलाम के अंदर नहीं है। इसलिए जब कभी ये ख्याल आए कि मुश्किल है, चलो फिर पढ़ लेंगे, अगर पिछली दफ़ा पारा दिया था और आज तक पारा खोल के नहीं पढ़ा, तो समझें कि शैतान आप पर कामयाब हो गया। जो क्लास में पढ़ाया था, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया, उसको पढ़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप नाकाम हैं। और अगर आपने उसको एक दफ़ा भी पढ़ लिया तो बहरहाल शैतान का मुकाबला आपने किया। ये सारे हरबे शैतान की तरफ से होते हैं और हम सुस्ती के अंदर कहते हैं चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, अभी हफ्ता पढ़ा है, इतवार वाले दिन क्लास में जाने से पहले पढ़ लेंगे। हालांकि ये रोजाना का काम है, मुसलसल काम है। इसलिए इस बात को जहन के अंदर रखिए कि हमने शैतान का मुकाबला करना है। उम्र की कैद नहीं है क्लास के अंदर कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई मेरी उम्र का है, सब उम्र के तलबा इस क्लास के अंदर है और सब ने एक ही जज्बे से एक ही तरीके से कुरान को समझना है। जो पहले दो सबक हम पढ़ चुके हैं, दोनों बहुत अहम सबक थे, उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। हमने 6 अल्फाज याद किए थे अरबी के, इशारों की मदद से किस तरह हमने इनको याद करना है। तो मैंने बताया था हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु। ये 6 अल्फाज जो है, ये एक जब आप दूर की तरफ इशारा करेंगे दाएं हाथ से तो इसका मतलब होगा वो एक, और जब आप हुम कहेंगे और जमा का इशारा करेंगे चारों उंगलियों का दूसरी तरफ तो इसका मतलब वो सब, और जब आप सामने की तरफ इशारा करें अंता तो इसका मतलब है तुम एक, और अंतुम तुम सब या आप सब, और इसी तरह जब आप अपनी तरफ इशारा करें तो आप कहेंगे अना और फिर जमा के लिए नहनु। एक दफा मेरे साथ रिपीट कर लें फिर अगले सबक पे। हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु। यहां तक क्लियर है बात? दूसरा सबक हमने पढ़ा था कि ये अरबी जबान के अंदर ये जो आखिर पे टुकड़े आते हैं हू, हुम, का, कुम, ई, ना, ये कुरान करीम की हर सतर के अंदर है। मिसाल के तौर पर ये रब से आगे जो हू लगा हुआ है, ये हू जो है ये आखिरी टुकड़ा है इसका रब के आखिर में। इसी तरह रब के बाद हुम आ गया, रब के बाद का आ गया, रब के बाद कुम आ गया, रब के बाद ई और ना। ये 6 उसी तरह जिस तरह हुआ हुम था, इसी तरह ये रब हू, मेरे साथ पढ़िए रब हू, रब हुम, रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना। अब आप कोई भी इसम इसके साथ लगा दें, किसी भी चीज का नाम लगा दें आप, रसूलुहु, रसूलुहुम, रसूलुका, रसूलुकुम, रसूली, रसूलुना, कुरानुहु, कुरानुहुम, कुरानुका, कुरानुकुम, कुरानी, कुरानुना, कोई भी आप चीज इसके साथ लगा दें, बैत लगा दें, मस्जिद लगा दें, तो आप इशारे से उसको समझा देंगे कि ये है। जो पोजेसिव कंडीशन है वो आप इन इशारों से किसी दूसरे को समझाएंगे। ये 2 सवाल हम पढ़ चुके हैं बड़ी तफसील से। अच्छा, अब ये जो नई बात आज हम थोड़ी सी पढ़ेंगे, ये भी हम सबक है, इसको आप जहन के अंदर रखें। हमने इसम पढ़ा है, किसी चीज का नाम हो या सिफत हो उसको इसम कहते हैं। मिसाल के तौर पर किताब है, मक्का है, नॉर्वे है, ओस्लो है, पाकिस्तान, ये नाम है। तो जो नाम होगा उसको इसम कहते हैं, जिस तरह उर्दू के अंदर हम कहते हैं इसम। या किसी चीज की सिफत हो, मिसाल के तौर पर आप इंसान है और मुसलमान है तो मुसलमान होना आपकी सिफत है। इसी तरह आप मुसलमान इंसान है और मोमिन है, मोमिन होना आपकी सिफत है। कोई इंसान मुसलमान है, इंसान है और काफिर है, कुफर होना उसकी सिफत है। तो नाम या सिफत इसको हम क्या कहते हैं, इसम। और फेल वर्ब है, कोई काम किसी जमाने में हो, पहले जमाने में हुआ, आज हो रहा है या आइंदा होगा, माजी हाल मुस्तकबिल, वो फेल होता है। और हर्फ वो होता है जिस तरह का, के, ई और पर, में, इस तरह के जो हरूफ होते हैं, ये हरूफ होते हैं अरबी जबान के अंदर। आज हम थोड़ा सा हर्फ को पढ़ेंगे। और हर्फ जो है, मिसाल के तौर पर ये 4 हरूफ आपके सामने आ रहे हैं, लाम, मिन, अन और मा, इनको अरबी में हरूफ कहते हैं। अब ये लाम के ऊपर जबर हो या लाम के नीचे जेर हो, यानी ला हो या ली हो, इसका मतलब अमूमन होता है के लिए। आपने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तो लाम जब शुरू में आ जाएगा, लाम पे जबर हो या जेर हो, इसका मतलब होगा के लिए। आगे हम इशारों से वाजे करेंगे इसको। मिन का मतलब होता है से,
मिसाल के तौर पर आउज़ु बिल्लाही मिनश शैतान, शैतान से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, तो मिन का मतलब होगा से, अन का मतलब होता है, अन का मतलब भी से या के बारे में, किसी चीज के बारे में, और इसी तरह माँ का मतलब है साथ। आगे भी आप मिसालें देखें। अच्छा, एक और बढ़िया अहम चीज है, ये जो ला या ली, मिन, अन और मा, ये चार हरूफ है, ये कुरान हकीम में मुख्तलिफ टुकड़ों के साथ मिलकर 4960 दफा आएंगे। आपके जहन में है कुरान हकीम की कुल कितने अल्फाज हैं? मैंने पहली क्लास में बताया था 78,000। तो 78,000 में से 5,000 तो ये आप निकाल लें, ये 6-7 हरूफ के साथ, ये जो चार हरूफ हैं इनके साथ ये मुख्तलिफ ज़मीरें जब लगती हैं तो ये कुरान हकीम में 5,000 दफा। अब इनकी मिसालें देखें। ये लाम जो है, हमने पढ़ा था हु हुम काकुम ई ना, अब इसकी प्रैक्टिस आप कर लें। लकुम दीन हुकुम वलियदीन, लकुम दीन हुकुम तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, वलियदीन और मेरे लिए मेरा दीन। अब लहू जब हम कहेंगे तो लहू का मतलब उसके लिए, ठीक है, लहू हु आखिर में आ रहा है तो हु का मतलब उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, लकुम आप सब के लिए, ली मेरे लिए, लना हम सब के लिए, और लहा उस औरत के लिए। हा मैंने बताया था आखिर में मुअन्नस के लिए, दोबारा बताता हूँ, लहू उसके लिए, ठीक है, ला का मतलब के लिए और हु इशारा कर रहा है उस तरफ, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, लकुम आप सब के लिए, ली मेरे लिए, लना हम सब के लिए, लहा उस औरत के लिए। हा का जब आप इशारा करेंगे तो औरत की तरफ आपने इशारा करना है, ठीक, उस औरत के लिए। अब ये जो आपके सामने मिसाल लिखी हुई है लकुम, तो लकुम जब कहेंगे कुम के लिए इशारा चार उंगलियों का सामने की तरफ, ठीक है, आप सब के लिए, लकुम आप सब के लिए, ठीक है, और ली आपने इशारा किया था अपनी तरफ, ई मेरे लिए, मेरे लिए। तो यहाँ पे मिसाल से आपको समझ आ जाएगी कि लकुम तुम सब के लिए, ली मेरे लिए। अब इस ये जो सात हरूफ हैं इनकी मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें इशारों से, लहू इशारा माना बताने की जरूरत है, माना बताऊ साथ ही रहने दें, जरूरत नहीं है, लहू लहुम लका लकुम ली लना लहा पाया पाया हाथ, हाँ जी, ये लहू लहा, हाँ जी, दोबारा एक दफा, लहू लहुम लका लकुम ली लना और लहा उस औरत के लिए। तो आसान हो गया ना समझना। अब ये कुरान हकीम के अंदर बार बार रिपीट होंगे, ठीक है, ला या ली के मतलब के लिए, उसके साथ हु लग गया तो उसका मतलब है उसके लिए, हुम लग गया तो उन सब के लिए, का लग गया आपके लिए, कुम लग गया आप सब के लिए, ई मेरे लिए, ना हम सब के लिए, और हा उस औरत के लिए। दूसरा जो हर्फ आज हम याद करेंगे वो है आल का मिन, इनका मतलब होता है से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान से, ठीक, तो मिन का मतलब है से, मिन बार बार आएगी कुरान में, तो अब इसी तरह मिन की प्रैक्टिस कर ले, मिन हु उससे, मिन हुम हुम सबसे, मिन का आपसे, मिन कुम आप सबसे, मिन्नी मुझसे, मिन्ना हम सबसे, मिन्हा उस औरत से। दोबारा इशारे सिर्फ करूंगा, तर्जुमा नहीं बताऊंगा, मिन हु मिन हुम मिन का मिन कुम मिन्नी मिन्ना और मिन्हा। दोबारा एक दफा कर ले, मिन हु मिन हुम मिनका मिनकुम मिन्नी मिन्ना मिन्हा, ठीक है, समझ आ गई। मिन का मतलब आपने याद रखना है से, और आखिर में जो चीज लगी होगी उसकी तरफ आप इशारा करते हैं, ठीक है। मिनकुम का मतलब क्या है, इशारे से बताएं,
कुम बाहर मिला गया, शाबाश, तो आप सामने की तरफ इशारा करें, कुम मिन कुम आप सबसे। आगे चले, तीसरा हर्फ जो आज हमने याद करना है वो है मा। मा का मतलब है साथ, मा का मतलब है साथ, सॉरी ये अन अन, तीसरा हर्फ है अन। रजी अल्लाह अनहु, रजी अल्लाह, अल्लाह राजी हुआ अनहु उससे, ठीक है, अनहु उससे, अनहुम सबसे। जब सहाबा का नाम इकट्ठा लें, अबू बकर, उस्मान, उमर, अली, रजी अल्लाह अनहुम कहते हैं। अनहुम का मतलब उन सबसे, एक सहाबी का नाम हो तो अनहु उससे, अनहु अनहुम, अन का अनकुम, अन्नी अन्ना अन्हा। दोबारा करें, अनहु अनहुम अनका अनकुम अन्नी अन्ना अन्हा। अनहु अनहुम अनका अनकुम। इशारे ठीक होने चाहिए, इशारे ठीक होंगे तो याद होगा तर्जुमा, नहीं तो पहले भी परेशान, आखिर में भी परेशान। अनका अनका अनकुम अनकुम अन्नी अन्नी अन्ना अन्ना अन्हा अन्हा। हाथों को थोड़ा अपने से दूर करें। चौथा हर्फ जो आज हमने याद करना है वो है मा, ठीक है। मा का मतलब होता है साथ, माहियत कहते ना, मैं आपकी माहियत में, मैं आपके साथ, माहियत का मतलब होता है साथ, मा का मतलब साथ। इन्नल्लाह मासाबिरीन, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। सारे उर्दू के हर्फ हैं, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, मा का मतलब साथ, और साबिरीन किसकी जमा है, साबिर की, साबिर की जमा साबिरीन, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। तो मा की हम प्रैक्टिस कर लें, माहू उसके साथ, माहू उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माकुम आप सब के साथ, माई मेरे साथ, माना हम सब के साथ, माहा उस औरत के साथ। समझ आ गई, अब तर्जुमे के बगैर, माहू माहू माहुम माहुम, माका माका, माकुम माकुम, माई माई, माना माना, माहा माहा। एक दफा फिर, माहू माहू माहुम माहुम, माका माका, माकुम माहुम, माई माई, माई माई, माना माना, माहा माहा। ठीक है, चार हर्फ याद होंगे, कौन से, लाम लाम, लाम के ऊपर जबर हो, जेर हो, उसका मतलब होता है के लिए। दूसरा हर्फ हमने याद किया मिन, मिन का मतलब है से, और आन का मतलब होता है के बारे में, ठीक है। और चौथा हमने याद किया मा, ये सारी चीजें आपको ईमेल में मिल जाएंगी। उधर ये जो टेबल बने हुए हैं, आपने इनको इशारों की मदद से याद करना है, ये पूरे पूरे हफ्ते का काम है। चार हर्फ है, लाम मिन हन मा, लेकिन ये जब आगे इन चीजों के साथ मिलकर आते हैं तो कुरान हकीम में तकरीबन 5000 दफा रिपीट होंगे, 5000 दफा कुरान में रिपीट होंगे। तो आप हफ्ते में याद करें, प्रैक्टिस करें, आपके इशारे भी ठीक हो जाएंगे, मतलब भी आपको याद हो जाएगा। ये आपके सामने चारों मिसालें लिखी हुई है, लाम के ऊपर जबर हो या जेर हो, लकुम दीनुकुम वलियदीन, पहले लाम पर जबर है, लकुम में लाम के ऊपर जबर है, और आगे देखें लिया तो लाम के नीचे जेर आ गई है, तो ये जबर जेर की जो तब्दीली है ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल लाम पे जबर हो या जेर हो, इसका मतलब है के लिए। मिन का मतलब है से, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। अच्छा, अगर आपके साथ मिसालें भी इनकी याद कर लेना तो फिर आपको इनका तर्जुमा नहीं भूलेगा। मिसाल के तौर पर ला है ना, तो ला के लिए आप अल्हम्दुलिल्लाह याद कर लें, ये वाली आयत याद कर लें। अगर सूरह काफिरून आपको याद है, लकुम दीनुकुम लकुम दीनुकुम लकुम दीनुकुम, ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, तो लाम की मिसाल याद कर लें। मिन की मिसाल आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन की मिसाल याद कर लें कि मिन का मतलब क्या है। अगर नहीं याद रहता, मिसाल आपको याद हो तो आपको तर्जुमा याद आ जाएगा कि मिन का मतलब से। अन याद कर लें, रजी अल्लाहु अन्हु, ठीक है, अल्लाह उससे राजी हुआ, सहाबा के बारे में हम कहते हैं ना, अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, तो अन का मतलब से के बारे में।
और माँ ये आपको मिल जाएंगी चीजें ईमेल में, तो आप उनको वहां से याद कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, टेबल आपके सामने है, इसी तरह का एक टेबल आपको ब्लैंक टेबल मैं ईमेल पे आपको सेंड करूंगा। उस ब्लैंक टेबल पे आपने खुद उसको फिलअप करना है। आप अपने घर में बैठ के खुद ही उसको फिलअप कर लें। उसके जरिए से आपको ये इशारे याद हो जाएंगे। ये जिस तरह फिल हुआ टेबल है, ये खाली टेबल आपके सामने आएगा, उस खाली टेबल को आपने खुद फिल करना है। ठीक है, अब इसको हम एक दफा रिपीट कर लेते हैं टेबल को, ताकि हमें ये अजबर हो जाए। मेरे साथ रिपीट करें, लघु लहु 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 लका लकुम लकुम ली ली लना लना लहा लहा। आगे दूसरा हर्फ मिनहु मिनहु मिनहुम मिनहुम मिनका मिनका मिनकुम मिनकुम मिन्नी मिन्नी मिन्ना मिन्ना और मिन्ना। तीसरा हर्फ देखें अनहु अनहु अनहुम अनहुम अन का तर्जमा भी ज़हन में रखना है। ठीक है, अनहु अनहु अनहुम अनहुम अनका अनका अनकुम अनकुम अन्नी अन्नी अन्ना अन्ना और माहु माहु माहुम माहु माका माका माकुम माकुम माई माई माना माना और माहा। ठीक है, ये टेबल आपको मिल जाएगा, तो आप इसको याद कर लीजिए। ये हमारा अगले हफ्ते तक का सबक है इंशाल्लाह। तर्जमे की तरफ हम आते हैं। तर्जमा आज 5 आयात का हमने करना है इंशाल्लाह। आयत नंबर 13 से लेके आयत नंबर 16 तक पारे आप लोगों के पास हैं, इसलिए जब आपको दिए थे पारे, जिनके पास है वो खोल लें और जिनके पास नहीं है वो दूसरों से मदद ले लें। जिसको नहीं मिला वो यहाँ से ले सकता है। एक मिनट, आयत नंबर 13 जी सबने निकाली है। वही जाती रहना हूँ आमीन हूँ। अब ये आप आयत नंबर पिछले समय पे चले जाए, जिन्होंने इस सबक को पढ़ा है, जो पिछली दफा हमने पढ़ा था, तो ये अल्फाज हम पढ़ चुके हैं। आप आयत नंबर 11 पे आ जाए, इससे पिछले समय पे आए, आयत नंबर 11 खोलें। आयत नंबर 11 का पहला कहां से शुरू हो रहा है? वही जात नहीं लगा हूं। दोबारा रिपीट हो गया ना, तर्जुमा पहले हम पढ़ चुके हैं, दोबारा आपके सामने मैं वजाहत के लिए खोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए स्लाइड के ऊपर, वा का मतलब और, इजा का मतलब जब, टीला कहा गया, मैंने बताया था पैसिव टेंस है, कहा गया लहू उनसे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना लहू और लहू, उन सब के लिए या उन सब से, जब कहा गया उन सब से, तो लहू और लहू का यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल मिल रहा है। नंबर 13 पे आ जाए, वही जाती लहू आमिनू, और जब उनसे कहा गया, वही जाती लहू और जब उनसे कहा गया आमिनू आमिनू ईमान ले आओ, कमा जिस तरह के, स्लाइड से भी आप देख सकते हैं तर्जमे को खोला गया है, जैसा कि जिस तरह के आमरा ईमान लाए, नास हमने पढ़ा है पहले, नास का मतलब क्या है? लोग, इंसान की जमा क्या होती है? नास। इंसान भी हमने पढ़ा और नास भी पढ़ा। वही दाखिल रहा हूँ आमिनू, और जब उनसे कहा जाए कि ईमान लाओ, कमा जिस तरह आमरा नासु लोग ईमान लाए। ठीक है, ये जो आपको मैंने पारे खुलवाए हैं ना, ये सिर्फ इसलिए खुलवाए हैं कि जो तर्जमा रिपीट होगा वो मैं आपको पीछे से दिखाऊंगा कि ये तर्जमा रिपीट हो रहा है। तो जहां से हमने इब्तिदा की है वो पहले रिपीट हो रहा है। आगे तर्जमा आप स्लाइड पर देखें, जब नया लफ्ज या जो रिपीटेड लफ्ज है वो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा पारे के अंदर। अभी ये रिपीटेड नहीं है, ठीक है, आप स्लाइड पर तर्जमा देख सकते हैं। आमिनू, तुम सब ईमान लाओ, कमा जिस तरह आमन नासु लोग ईमान लाए, जैसा कि लोग ईमान लाए, जिस तरह लोग ईमान लाए तुम भी ईमान लाओ। कालू भी हम पढ़ चुके हैं पहले, कालू काला और कालू कालू वो सब कहते हैं। अनुमिनु आ अलग है, नुमिनु अलग है। ठीक है, आ का मतलब जो है ये क्या, सवालिया सवालिया जो हर्फ है वो आ है। जब आप किसी चीज को सवालिया बनाएंगे जुमले को, तो आ शुरू में लगा देंगे,
अनुमिनु क्या हम ईमान लाए, नुमिनु हम ईमान लाए, कालू अनुमिनु क्या हम ईमान लाए, वो कहते हैं क्या हम ईमान लाए, कमा भी हमने पढ़ा है, जैसा कि जिस तरह दोबारा आप इस पे देखें पारे पे पेज नंबर 16 जो है यही आयत नंबर 13, इसमें दो दफा कमा आ रहा है, दो दफा इसके अंदर कमा आ रहा है, दूसरी लाइन में और चौथी लाइन में, दूसरी लाइन में और चौथी लाइन में कमा रिपीट हो रहा है, जैसा कि जिस तरह, ठीक है, तो ये कमा का मतलब जो है ये दूसरी दफा आ रहा है इसी आयत में, इसलिए तर्जमा जब एक लफ्ज का पढ़े उसको ध्यान के अंदर रखें दोबारा वो लफ्ज आएगा, इसीलिए कुरान हकीम को आसान कहा गया कि बार बार चीजें रिपीट होती हैं, एक बात अल्लाह दोबारा भी दोहराता है याद दिलाने के लिए, याद करवाने के लिए। अनुमिनु क्या हम ईमान लाएं, कमा जिस तरह आमना सुफहा, आमना हम कई दफा पढ़ चुके हैं ईमान लाए या ईमान लाया, असुफहा ये सफीह की जमा है, ठीक है, सुफहा ये नया लफ्ज आ गया है, इसको बेशक आप याद कर लें, उर्दू के अंदर भी बड़ी जो अदबी जबान है उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन बहरहाल आप सुफहा को रेड कलर से आ रहा है आप इस स्लाइड के अंदर, तो इसका मतलब है बेवकूफ लोग, ठीक है, बेवकूफ लोग, कमा आमना सुफहा जिस तरह के सुफहा या बेवकूफ लोग ईमान लाए। अच्छा आगे दोबारा देखें पारे के अंदर देखें अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, यही चीज रिपीट हुई है इससे पिछली आयत में, आयत नंबर 12 में देखें अला इन्नहुम हुम, आयत नंबर 12 में मिला जी, आयत नंबर 12 जहां से शुरू हो रही है अला इन्नहुम हुम, नीले कलर में 12 नंबर आयत नंबर 12 शुरू हो रही है जी, आयत मिली जी आप लोगों को, रिपीट हो रही है ना दोबारा, हाँ जी, बस अब पारे बंद कर दें, पारे बंद कर दीजिए, ये सिर्फ खुलवाने का समझाने का मकसद ये है कि अगर आप तवज्जो से पढ़ें तो पिछले सबक में और आज के सबक में कितनी चीजें रिपीट होती हैं, लेकिन अगर पिछला सबक भी नहीं समझा था तो आज का तो वैसे समझ नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगी, इसलिए पिछले सबक को पढ़ के आए, याद करके आए, हमने 5-6 आयात इसीलिए रखी हैं, आप 6 दिनों में जब 6 आयात को तर्जमे से पढ़ेंगे और यहाँ पे समझ चुके होंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको तर्जमे की समझ ना है, इसलिए यहाँ पर समझे, घर जाके इसको पढ़े 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, और 6 दिन के बाद आप आए तो फिर आपको खुलवा के बताने की जरूरत नहीं होगी कि भाई जाकिर अल्लाह उनका तर्जमा क्या है, फिर आप ये याद कर चुके होंगे, इसलिए अब तर्जमे को यहाँ पर समझ लीजिए और फिर पारे से इसको आप घर जाके इसको रिवाइज कर लें, पढ़ लें। अब दोबारा मैं तर्जमा आज का तर्जमा शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, पारे बंद कर लीजिए, एक सुई से यहाँ पर तवज्जो कीजिए, हम तर्जमा यहाँ से पढ़ेंगे। वइज़ा क़ीला लहुम, वइज़ा और जब, क़ीला कहा जाता है, कहा गया, लहुम उन सब से, उन सब को, और जब कहा गया उन सब को, वइज़ा क़ीला लहुम और जब कहा गया उन सबको या कहा जाता है उन सब से, आमिनू कमा आमरन्नास, आमिनू तुम सब ईमान लाओ, कमा जिस तरह आमरन्नास लोग ईमान लाए, नास कहते हैं लोगों को, इंसान की जमा नास, आमिनू कमा आमरन्नास, आमिनू ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए, कालू अनुमिनू, कालू तो वो कहते हैं अनुमिनू क्या हम ईमान लाए, अगर हमजा ना होता तो इसका मतलब था नुमिनू हम ईमान लाते हैं, लेकिन हमजा शुरू में लग के क्या हम ईमान लाए, सवालिया सवाली अंदाज है, कालू अनुमिनू तो वो सब कहते हैं क्या हम ईमान लाए, कमा आमरस सुफहा, कमा का मतलब जिस तरह, आमना ईमान लाए, असुफहा बेवकूफ लोग, बेवकूफ लोगों को सुफहा कहते हैं, कमा आमनस सुफहा जिस तरह के बेवकूफ लोग ईमान लाए, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, अला मैंने बताया था खबरदार मुतवज्जे हो जाओ, बहुत अहम बात अल्लाह बता रहे हैं, ये जो कहते हैं ना कि ईमान लाने वाले बेवकूफ हैं, अल्लाह कहता है खबरदार हो जाओ, तवज्जो करो, इन्नहुम हुम बेशक वही, ठीक है, इन्ना हुम और हुम, हुम और हुम, दो दफा हुम आया ताकीद के लिए कि वही लोग हैं,
उनके अलावा कोई दूसरे नहीं है, सिर्फ वही लोग हैं। अस्सुफहा पढ़ चुके हैं आप, बेवकूफ। इन्नहुम हुमुस्सुफहा, बेशक वही बेवकूफ है, सिर्फ यही बेवकूफ है। तो जब आपने किसी चीज को खास करके जोर दे के कहना हो तो आप कहते हैं सिर्फ यही चीज है, इसलिए अल्लाह कहता है बेवकूफ सिर्फ यही है। अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा, बेशक यही लोग बेवकूफ है। वलाकिल्ला यअलमून, ठीक है, तीनों लफ्ज उर्दू के हैं, लेकिन भी, ला भी और इलम भी, ठीक है। लेकिन नहीं, यअलमून वो सब जानते, इल्म से है ना, यअलमून आखिर में जो वाव नून आ गया ये जमा की अलामत है, ठीक है। वो यअलमून के आखिर में देखें वाव नून आ गया, यअलमू होगा तो वो जानता है, और यअलमून वो सब जानते हैं, ला यअलमून वो सब नहीं जानते, ठीक है। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन वो नहीं जानते। इस आयत का तर्जुमा दोबारा देखें, वइज़ा क़ीला लहुम, और जब उनसे कहा जाता है आमिनू कमा आमनन्नास, ईमान लाओ जिस तरह के लोग ईमान लाए, पालू तो वो कहते हैं अनुमिनू, क्या हम ईमान लाए, कमा आमनस्सुफहा, जैसा कि बेवकूफ लोग ईमान लाए, यानी मोमिनीन को वो बेवकूफ लोग कहते हैं। अला, खबरदार हो जाओ, तवज्जो करो, इन्नहुम हुमुस्सुफहा, बेशक यही लोग बेवकूफ हैं। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन ये लोग जानते नहीं है। अगली आयत को देखें, वइज़ा लकू, वा और इज़ा, जब लकू लिका से है, मुलाकात उर्दू के लफ्ज है मुलाकात, उसी से लकू है, वो मिलते हैं। वइज़ा लकू, और जब वो मिलते हैं, लिका करते हैं, मुलाकात करते हैं, अल्लज़ीन आमनू, अल्लज़ीन हम कई बार पढ़ चुके हैं, वो जो आमनू ईमान लाए, यानी वो जब मिलते हैं ईमान लाने वालों से, कालू फिर आ गया, कालू वो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, ठीक है। दोबारा देखें, अल्लज़ीन आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, जब उनसे मिलते हैं ये मुनाफिक, कालू तो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। वइज़ा खलऊ, खलऊ खलवत से, तन्हाई से, वइज़ा और जब, इज़ा और वाह बार बार आ रहा है, वइज़ा और जब, खलऊ तन्हाई में होते हैं, अकेले में होते हैं, वइज़ा खलऊ, और जब वो तन्हाई में होते हैं, अकेले होते हैं, इला शयातीनी, इला का मतलब होता है तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम उर्दू का जब तर्जुमा करेंगे तो हम पास भी कर सकते हैं, यानी शयातीन किसकी जमा है, शैतान की, और हिम हम उनके, यानी वो अपने शैतानों के पास जब होते हैं, अपने शयातीन के पास जब होते हैं, वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, जब वो तन्हाई में अपने शयातीन के साथ होते हैं, फिर क्या कहते हैं, कालू, वो सब कहते हैं इन्ना माकुम, माकुम आ गया, इशारा करें माकुम का, माकुम, मा का एक के लिए, माकुम आप सब के साथ, ठीक है। कालू तो वो कहते हैं इन्ना, बेशक हम, माकुम तुम्हारे साथ हैं। एक एक हमने हम के लिए और लफ्ज याद किया था, हम नहनु, हमने पहले दिन याद किया था, तो इन्ना का मतलब भी होता है हम, ठीक है। असल में इसके साथ एक और नून भी है, लेकिन पुराने करीम में या अरबी जबान के अंदर बास रूफ गिर जाते हैं, असल में ये इन्ना ना था, लेकिन वो चीज़ें जो है वो हमारे समझने या हमारे पढ़ने वाले अभी नहीं है, अल्लाह करे बाद में हम इस सतह पर पहुंचे तो फिर इंशाल्लाह उसकी भी वजाहत करेंगे। बारह, इन्ना का मतलब हम, ठीक है, नहनु हम, इन्ना हम, और इन्ना का जो हम है इसके साथ ताकीद का बेशक का माना, यकीनन हम, बेशक हम, माकुम तुम्हारे साथ है। अब यहाँ पे दोबारा देखिए, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, इन्ना और इन्नमा, ये जो मा साथ लग गया ना, ये फिर वो खास माने में, जैसे हमने कहा था ना इन्नहुम हुम, बेशक वही, तो इन्नमा बेशक हम ही, और फिर नहनु लगा दिया और ताकीद करने के लिए, बेशक हम पक्के हैं, ठीक है, हम हमारे, यानी तुम्हारे साथ होने में कोई शक नहीं होना चाहिए, बेशक हम मुस्तहज़िऊन, मुस्तहज़िऊन नया लफ्ज आया है, इस्तेहज़ा कहते हैं उर्दू के अंदर, ठीक है, मजाक को, तमस्खुर को, तो उसी से मुस्तहज़िऊन जमा का सीधा है, मुस्तहज़ी एक मजाक उड़ाने वाला, मुस्तहज़िऊन सब मजाक उड़ाने वाले, तो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो उनका मजाक उड़ाते हैं,
यानी हम मुसलमानों के पास जाते हैं, अल्लाह के रसूल की मजलिस में कहते हैं, वहां पे हम कहते हैं आमन्ना, हम ईमान ले आए। और जब हम तुम्हारे पास आते हैं तो हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि हम उधर तो मजाक कर रहे थे, हम तो उनको उल्लू बना रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे कि वो ये समझे मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, तो हम उनके साथ मजाक कर रहे थे। अब अल्लाह उसके जवाब में क्या कहता है, अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, वो कहते हैं हम मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह कहता है अल्लाह यस्तहज़िउ मजाक करता है या मजाक उड़ाता है, बिहिम उन सब का, बिहिम उन सब का, हिम जब लग गया ना तो उसका मतलब हम या हिम का वो सब, ठीक है, उन सब का, अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उन सब का मजाक उड़ाता है। अब अल्लाह का मजाक क्या है, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह लोगों के ठठे नहीं उड़ाता है, लोगों के मजाक नहीं उड़ाता कि लोगों की हरकतों पर जो है वो जिस तरह हम कह के लगाते हैं मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह इस तरह नहीं करता। अल्लाह का मजाक क्या है, अल्लाह बता रहा है यमुद्दुहुम, वा का मतलब और, मद कहते हैं ना, मद कायदे के अंदर हमने पढ़ी थी, मद मद का मतलब क्या होता है, अलिफ बदा आ, यानी अलिफ को लंबा करके पढ़ना, तो यमुद्दु लंबा कर देता है, ढील दे देता है, मोहलत दे देता है, हुम उन सबको, यमुद्दुहुम उन सबको ढील दे देता है, उनको मोहलत दे देता है, बड़ी तायुशात की जिंदगी होती है, बड़ी नेमतें दे देता है उनको, उनको ढील दे देता है, लंबी उम्र दे देता है, औलाद दे देता है, माशरे के अंदर इज्जत और वकार दे देता है, सारी नेमतें जब दे देता है वो दीवाने ये समझते हैं कि अल्लाह हम पर बड़ा मेहरबान है, हालांकि अल्लाह कहता है मैं इन्हें ढील दे रहा हूँ, यमुद्दुहुम इनको मोहलत दे रहा हूँ, ढील दे रहा हूँ, किस चीज में ढील है, फी तो यान हिम, फी का मतलब में, तो यान कहते हैं सरकशी को, उर्दू का लफ्ज है तो यानी सरकशी नाफरमानी, फी तो यान हिम उनकी सरकशी में, और या महून वो सब अंधे होकर उस सरकशी में उस गुमराही में भटकते चले जाते हैं, अल्लाह उनकी नाफरमानी में उनकी नादानी में उनको मोहलत दे देता है और वो अंधे बहरे होकर उसमें आगे भटकते चले जाते हैं और समझते ये हैं कि हम अल्लाह के बड़े करीब हैं, बड़े मुअज्ज़ज़ हैं, ठीक है। तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया है, आखिरी आयत जो आज हमारे, बल्कि इसको आप दोबारा देख लें तर्जमे को, अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनसे मजाक करता है, वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम और उनकी सरकशी में उनकी नाफरमानी में उनको ढील दे देता है, यमुद्दु ढील देता है हुम उनको, फी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, याहबून वो अंधे होकर भटकते चले जाते हैं, आगे से आगे चले जाते हैं। आयत नंबर 16 जो आज हमारी आखिरी आयत है, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सारी जो गुफ्तगु हुई है 7-8 आयत के अंदर, आयत नंबर 9 से हमने शुरू किया था मुनाफिकीन का, अब यहाँ पे आयत नंबर 16 में अल्लाह इसको 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 इस यानी इस बात को, इस जुमले को, इस मज़मून को बंद कर रहा है, ठीक है। أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، آخری بات اللہ نے کہہ دی، أولئك ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی، أولئك وہ سب، ٹھیک ہے، وہ سب یہ اشارے کے لیے، ابھی اشارے ہم نے پڑھنے ہیں، یہ سب، وہ سب، تو اشارہ ہم نے کس طرح کرنا ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے، تو أولئك یہ سب لوگ جو ہے جن کا بھی ذکر کیا اللہ نے، الذين دوبارہ پھر وہ لوگ جو یعنی یہ سب لوگ جن کا ذکر ہوا ہے منافقین کا، اشتروا، اشترا کا مطلب ہوتا ہے اشترا، خریدنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اشتروا انہوں نے خرید لیا، اشتروا انہوں نے خرید لیا، اولئک الذین اشتروا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا، الضلالۃ بالہدیٰ، ضلالت اردو کا لفظ ہے گمراہی، ٹھیک ہے، گمراہی، ضلالت، ہدیٰ اردو کا لفظ ہے ہدایت سے ہے، پاس آتھ لگ گیا تو مطلب ہے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، ہدایت خریدنے کی بجائے گمراہی خرید لی، فما ربحت تجارتهم، فما دو حروف ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے بس، واو کا مطلب کیا ہے، واو کا مطلب یہاں پر نہیں لکھا ہوا، واو کا مطلب اور، فا کا مطلب بس، یہ بار بار آئیں گے، ٹھیک ہے، واو کا مطلب اور، فا کا مطلب بس، انہ کا مطلب بے شک، یہ چیزیں بار بار آئیں گی، اس کو آپ یاد کرتے جائیں، ماں میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا، ماں کا ایک مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے، فما بس نہیں،
रबीहत ये नया लफ्ज आया, ठीक है, ये नया लफ्ज आया रबीहत, इसको याद कर लें, फायदा पहुंचाया, बस नहीं फायदा पहुंचाया, नहीं नफा दिया, तिजारत हम उर्दू का लफ्ज है तिजारत और हम उनकी, यानी इनकी तिजारत ने इनको फायदा नहीं पहुंचाया, ये जो इन्होंने गुमराही को खरीदा हदायत को छोड़ा तो इन्होंने तिजारत की, अल्लाह कहता है इनकी तिजारत ने इनको फायदा नहीं पहुंचाया, वमा कानू मुहतदीन, वा का मतलब और मा का मतलब नहीं, काना था और कानू वो सब थे, ठीक है, वाओ वाओ अलिफ जब आखिर में आ गया जमा के लिए, काना आगे ये ब्लैक कलर में, जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड डिम है इसको मैं चेंज कर लूंगा कलर को, कानू वो सब थे, ठीक है, काना और कानू वो सब थे, वमा कानू और ना वो सब थे मुहतदीन हदायत पाने वाले, यानू जमा के लिए मुहतदी कहते हैं जिसको हदायत मिल गई, जिसने हदायत पाली, हादी कहते हैं हदायत देने वाला, फाइल मफूल हम पढ़े के बाद में इंशाल्लाह, हादी हदायत देने वाला, मुहतदी जिसको हदायत मिली हो, महदी जिसको हदायत मिली हो, हादी हदायत देने वाला, ठीक है, तो मुहतदीन हदायत पाने वाले, वमा कानू मुहतदीन और ना ही वो हदायत पाने वाले बने, ना उन्होंने हदायत पाई, दोबारा देखे तर्जुमे को, أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا الضلالة بالهدى ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو فما ربحت تجارتهم بس ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا وما كانوا مهتدين اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والوں میں سے بنے ٹھیک ہے یہ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 16 तक का सॉरी आयत नंबर 13 से आयत नंबर 16 चार आयत हमने पढ़ी हैं, इससे पहले हमने पांच आयत पढ़ी थी, ये मुसलसल 9 आयत में मुनाफिकीन का जिक्र है, अगला जो सबक होगा उसके अंदर अल्लाह ने इन मुनाफिकीन की दो मिसालें बयान की हैं, तो ये मजमून यहाँ पर यानी दूसरा रुकू सूरह बकरा का अगले सबक में ख़त्म होगा, तो इस पर भी इंशाल्लाह एक इख्तितामी बात हम कहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको कुरान हकीम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।